Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं Elixir Lane, make yourself unique. कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सबकी एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी, कुछ बच्चों को रेगुलर, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे स्टैड और आरसीडीसी सीखना है, उससे पहले मुझे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए जिससे कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैड और आरसीडीसी को सीख सकूं. उसका मेन रीजन ये है कि इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी आज के टाइम में. अगर हम मनी स्टैट को या आरसीडीसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों सही बात यही है कि आपको उससे पहले जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करके जाओ, जिससे कि जब आप आरसीडीसी और स्टैट का कोर्स करो तो सारा का सारा कुछ आपके माइंड पर आ जाए. इसीलिए मैं सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए आरसीडीसी और स्टैट प्रो में. एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता हूं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बनाता हूं. अगला टॉपिक आपको जो भी चाहिए आप कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा. तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज IELTS कोर्स, क्योंकि इसके बिना आप सॉफ्टवेयर सीखोगे भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर. क्यों? यार, सॉफ्टवेयर का काम है आप लोड दे दो, कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन लोड लगाने से पहले आपको IELTS कोर्स की गाइडलाइंस नहीं पता तो आप कैसे लोड लगाओगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज IELTS कोर्स नॉलेज, जिसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से आपको आने चाहिए. IELTS 456 आना चाहिए, IELTS 800 आना चाहिए, IELTS 1893 होना चाहिए, 875 के पांचों पार्ट होने चाहिए. ये कुछ इंपॉर्टेंट IELTS कोड है. जो IELTS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग का कोड होना चाहिए आपके माइंड में. एटलीस्ट नाम तो जानते रहो. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेम पुट करना पड़ता है कि हम कौन से डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज करने वाले हैं. तो ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन है. पहला क्या है, आपको IELTS कोड पता होना चाहिए. दूसरा क्या टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, SFD एंड BMD. अगर ये नहीं पता है तो आपको लोड का जो क्लैरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा. कैसे? शियर फोर्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट का क्या रिजल्ट आ रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिसने थोड़ा बहुत स्टैट वो सीखा वो समझेगा कि वो सेल्फ वेट ऐड करके आपको कैलकुलेट करके देता है. विदाउट सेल्फ वेट क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं. तीसरा जो टॉपिक है जो आपके माइंड में होना ही होना चाहिए, दैट इज डिफ्लेक्शन. क्या होना चाहिए आपके माइंड में? डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन किस तरीके से निकालते, कोई भी एक मेथड सीख लो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीख लो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड सीख लो, कुछ भी, जस्ट एक जनरल आइडिया आपके माइंड होना चाहिए. मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन होता है स्पैन बाय 250, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 456 अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. मैंने IELTS 456 का इंपॉर्टेंट की पॉइंट का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जाके प्लीज देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए, IELTS कोड हो गया, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हो गया और डिफ्लेक्शन हो गया, ये तीन टॉपिक्स आपके करने ही करने हैं आपको. चौथा कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा? चौथा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, विंड लोड को किस तरीके से मैनुअली कैलकुलेट करेंगे. विंड लोड को अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना समझ गए, इंटेंसिटी, उसका हाइट वर्सेस इंटेंसिटी आपको समझ में आ गया, तो ये समझिए कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें आपको VB, K1, K2, K3 कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैंने पहले बताया भी है VB क्या होता है, बेस ईयर होता है, K1 क्या है आपका रिस्क कोफिशिएंट है, K2 क्या है टेरिंग कैटेगरी, K3 क्या है, K3 आपका टोपोग्राफी फैक्टर्स है. तो इसको आप मैनुअली अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए. पांचवा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्थक्वेक एनालिसिस मैनुअली. क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि इससे आपको अच्छे तरीके से जोन का आइडिया लग जाएगा, जोन के फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा, SAYG क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या होता है ये पता चल जाएगा. सो मैनुअल आपको अर्थक्वेक एनालिसिस आना चाहिए. वैसे मैं अपने क्लासेस में जो मेरे क्लासेस है जो मैंने स्टैट प्रो का वेबसाइट पर डाल रखा है वीडियो कोर्स, उसमें भी मैं सारा का सारा ये मेंशन करता हूं, मैं खुद ही पढ़ाता हूं. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे पढ़े रहते हैं, कुछ नहीं पढ़े रहते हैं, नहीं पढ़े तो कैसे समझ में आएगा उनको, तो मैं खुद पढ़ाता हूं. बट अगर आप पढ़ के आते हो फिर पढ़ते हो तो मजा ही कुछ और हो जाएगा. क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर डबल टाइम. उसके बाद कौन सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए आपके माइंड में, वो होना चाहिए कि कुछ IELTS कोड जैसे 800 है और 456, इसके कुछ गाइडलाइंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. गाइडलाइंस कैसे? स्पेसिंग्स, मिनिमम स्पेसिंग्स, मैक्सिमम स्पेसिंग्स बिटवीन बार्स, कॉलम में मिनिमम डाया बार्स, कॉलम में मिनिमम स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग्स, कवर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंसिटी. लोड निकालना है तो बिना डेंसिटी के आपको पता ही नहीं हो सकता. अब डेंसिटी ये नहीं कि मैं करो दुनिया में जितने मटेरियल सबके डेंसिटी, ना ना, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, इन सब का जो इंपॉर्टेंट है, स्टील का, आपको इन सब का आपको ले लेना है डेंसिटी. तो डेंसिटी अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए. डेंसिटी क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का लोड निकालना है
तो लोड का क्या फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इनटू थिकनेस। तो आपको अगर पता है डेंसिटी तो फटाफट आप थिकनेस निकालते चले जाओगे। इसके बाद दोस्तों जो मैंने देखा कि जो इंपॉर्टेंट आईएस कोड में आपको होना चाहिए वो सीरोल का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सीरोल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सीरोल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सर्च करिएगा सीरोल भाई आकाश पांडे। तो मैंने बहुत ही डीप में जाकर उसके टाइप्स क्यों लगाते हैं कैसे लगाते हैं सब डिस्कस किया हुआ है, उसको प्लीज पढ़ डालना। मैंने यूट्यूब पे बहुत से कंटेंट दिए हुए हैं, एक बार आप जाके तो देखो, कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत से वीडियोस आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं। उसके साथ अगर आपको सीरोल के बारे में अच्छा सा नॉलेज हो गया तो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। और डीप में जाना चाहते हो तो एफईएम मींस फाइनाइट एलिमेंट मेथड की थोड़ी सी स्टडी कर लेना, थोड़ा टफ टॉपिक होता है, सो माइंड भी आपको कम समझ आएगा बट आइडिया लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस जो करते हैं स्टेयरकेस की और स्लैब की वो एफईएम मेथड से करते हैं, तो आपको क्लियर अगर रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि एफईएम मेथड से किस तरीके से हम लोग उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम लोग स्टैटप्रो तो करते नहीं, स्टैटप्रो के साथ आरसीडीसी भी करते हैं, तो आरसीडीसी चलाने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो आरसीडीसी भी चलाने के लिए, आरसीडीसी के लिए सबसे बेस्ट है कि पहले तो आपको ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरसीडीसी की फाइलें डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाती हैं, मतलब करना पड़ता है, डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाती है आपके सॉफ्टवेयर में मीन्स ऑटोकैड में। तो एक ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज, इट्स नॉट लाइक पूरा ऑटोकैड आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ आपको बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कटिंग लेंथ, और आपका कटिंग लेंथ आपको नहीं पता कि किसका कितना कटिंग लेंथ आ रहा है, और साथ ही साथ किस तरीके से लैपिंग कौन से जोन में लगाएंगे, ये सब का अगर नॉलेज नहीं है, ये सब बीबीएस में पता चल जाता है, आपको पता ही है। तो ये सब अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए आरसीडीसी सीखना बड़ा ईजी हो जाता है। आरसीडीसी में कंपलसरी होता है कि आपको कवर होना चाहिए और मटेरियल का ग्रेड आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप स्टैट प्रो के थ्रू सीख ही लोगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो कि आपको क्लियर आना ही चाहिए। इसके बिना अगर आप स्टैट और आरसीडीसी सीखते हो तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, उतना क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि मैं किसी को स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके दे पाऊं, और इसीलिए मैं जब स्टैट और आरसीडीसी का क्लास लेता हूं तो लगभग मेरे 2 महीने से 2.5 महीने चले जाते हैं। अभी मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है वीडियो कोर्स, 32 लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखा है, और भी लेक्चर्स अभी अपलोड करने हैं, मीन्स अभी 15 लेक्चर्स कम से कम और अपलोड होंगे, 45 लेक्चर का पूरा कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं मैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्टैट प्लस आरसीडीसी के लिए लाइव बैच नहीं ज्वाइन कर सकता हूं, तो उसके हाफ रेट में आप वीडियो कोर्स कर सकते हो, 2400 समथिंग में, तो आप उसमें वीडियो कोर्स कर सकते हो unixsivil.com पे जाके, वहां से रजिस्टर कर लो। जैसे जैसे वीडियो बन रहे हैं अपलोड करता जा रहा हूं, और अपने वीडियो की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो क्लास की ही रिकॉर्डिंग होती है। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया वो आपको क्लियर होता चला जाता है, आपके डाउट्स रहते हैं उस क्लास में, आप डाउट पूछते हो मैं आंसर करता हूं, वो सब भी उसी रिकॉर्डिंग में ऐड रहता है, मैं कुछ भी रिमूव नहीं करता। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना आगे भी। क्यों? क्योंकि आप शेयर करोगे तभी मुझे लगेगा चलो और बनाते हैं, और डेफिनेटली आप लोग के सपोर्ट से ही जो कुछ कर पाता हूं वो करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सपोर्ट, एंड वंस अगेन जय हिंद जय भारत।